हरियाणा बीजेपी ने प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे होगी बैठक। बैठक के दौरान बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस दौरान सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, प्रदेश भाजपा प्रभारी अनिल जैन और प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला सहित तमाम मंत्री यहां नेता मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली में होगी। हरियाणा से जुड़ी हुई हमारे इस वक्त संवाददाता जयदीप राठी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर के साथ। जयदीप, आपसे जानना चाहेंगे क्या मकसद होगा इस महत्वपूर्ण बैठक का? जी बिल्कुल कुलदीप, आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव में जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों के नामों को लेकर जो है ये मीटिंग की जा रही है, और इसमें प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, नरेंद्र तोमर को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, अनिल जैन प्रभारी हैं, उसके अलावा कृषि मंत्री ओपी धनखड़, अनिल विज और कैप्टन अभिमन्यु, ये तमाम मंत्री भी शामिल रहेंगे। और जो क्योंकि बीजेपी के पास अच्छी खासी अब की बार जो है आवेदन आए हैं उम्मीदवारों को लेकर, तो तमाम नामों पर चर्चा की जाएगी कि कहां से किसको चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि जो 75 पार का नारा लेकर बीजेपी चली है उसको कैसे पार किया जाए। बड़ा मंथन बीजेपी में टिकटों को लेकर होने वाला है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो है उम्मीदवारों की लिस्ट यहाँ पर पहुंची है और लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। इससे पहले भी नरेंद्र तोमर, सुरेश भट्ट और अनिल जैन ने लगातार मीटिंगें की हैं, प्रदेश अध्यक्ष खुद शामिल रहे हैं और नामों को लेकर चर्चा होती रही है। आज 4 बजे ये मीटिंग बुलाई गई और काफी अहम ये आज की मीटिंग रहेगी, क्योंकि लगभग जो उम्मीदवारों के नाम है वो तय कर लिए जाएंगे और आखिरी मोहर लगाई जाएगी कि जल्द से जल्द, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है और बीजेपी चाहेगी कि जल्द से जल्द जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा वो कर दे, क्योंकि महज 1 महीने का समय अब चुनाव में रह गया है। 21 अक्टूबर को चुनाव होंगे, तो बिल्कुल ये बेहद अहम बैठक होने वाली है। बीजेपी आज आखिरी बार जो है चर्चा करेगी जिन उम्मीदवारों को टिकट देना है उनके नाम को लेकर, और वो लिस्ट शायद आज जो है तय कर ली जाए कि कहां से किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। जी चलिए, दीवेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी, और आप बने रहिएगा जयदीप राठी हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। दीवेंद्र चौहान जी, माफ कीजिए, वीरेंद्र चौहान जी, जी बहुत स्वागत है R9 टीवी पर। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि 75 पार का आंकड़ा आपने रखा है, लेकिन फिलहाल आपने नामों की घोषणा नहीं की है। जेजेपी ने कुछ नाम सामने कर दिए हैं, कांग्रेस भी लगातार अब इस फिराक में कि जल्द से जल्द नाम सामने आ जाएं, तो क्या चल रहा है? 75 पार का आंकड़ा है, यानी कि बहुत से लोगों का आवेदन आ रहा है, किस तरह से आप अपने कैंडिडेट्स चुनना चाहते हैं? देखिए, हमने ये एक नारा लोकसभा चुनाव में लोगों के प्रेम तरह का मिला, हरियाणा में 10 की 10 सीटें हरियाणा में लोकसभा की हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली, तो उस जनता के मन माहौल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फैक्टर के मूल्यांकन किया। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि विधानसभा के चुनाव का लक्ष्य निर्धारित करें और अब की बार 75 पार हम अपने विधायकों की संख्या लेकर के जाएंगे। जी लेकिन वीरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे, वीरेंद्र जी मेरा सवाल आपसे ये है कि मनोहर लाल खट्टर सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है। उनका कहना है कि पिछले 5 साल में जो काम हुआ है ऐसा पहले इतिहास में नहीं हुआ, उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाली, सब कुछ हो गया है। मैं आपसे सवाल सीधे यह जानना चाहता हूं, 75 पार का आपका आंकड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि पिछले जितने भी आपके प्रतिनिधि रहे, जितने भी विधायक रहे, उनकी बिना पर ही तो 75 पार का आंकड़ा दिया जा रहा है। तो फिर जब सभी विधायकों ने काम किया है, तो फिर दोबारा से कैंडिडेट्स की लिस्ट आनी, उसमें इतना वक्त लगना क्यों लग रहा है? इतना वक्त सभी विधायकों ने काम किया है, तो जाहिर सी बात है उन विधायकों को दोबारा से टिकट मिलना चाहिए। इसका मतलब बहुत से विधायकों का टिकट कटने वाला है। नहीं, किसका कटेगा, किसका नहीं कटेगा, किसको मिलेगा, ये हर चुनाव में उस समय की परिस्थितियां, विधानसभा क्षेत्र के अनुसार जो गणित होता है, समीकरण होता है, उन सब चीजों को मिलाकर पार्टी निर्णय करती है। और अब क्योंकि हमने अभी सूची जारी नहीं की, इसका अर्थ ये निकाल लिए कि अगर बहुत सारे विधायकों का टिकट कटेगा, ये निष्कर्ष निकालना भी गलत है। बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए भी किसी स्थान पर किसी मैच उतारा जा सकता है, वो पार्टी संगठन का विवेकाधिकार है, उनका निर्णय लेने का हक है। रही बात क्योंकि सच है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय हर विधानसभा सर्जन से लेकर 1 सर्जन तक सक्षम, जिताऊ, समर्थ प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं,
जो प्रत्याशी बन सकते हैं, तो ऐसे टिकट के चाहवान कार्यकर्ताओं में से किसको टिकट दिया जाए, किसको चुनाव लड़ाया जाए, किसी एक को लड़ाया जाना है, उसके चयन की एक प्रक्रिया है पार्टी के भीतर। लोकतांत्रिक तरीके से चीजें निर्धारित होती हैं, जिले से नाम जाते हैं, प्रांत में प्रांत। जी वीरेंद्र, और सबसे बड़ा सवाल ये भी, क्या जो अच्छा काम करने वाले हैं, जो चेहरे हैं, उनको टिकट दिया जाएगा, या फिर इस बात का भी डर है क्योंकि बाहर से भी बहुत से जो लोग हैं आपकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, ऐसे में उन्हें भी अकोमोडेट किया जाएगा, इस वजह से दरअसल देरी। चलिए, तो आज आपको बता दें कि हरियाणा की एक चुनाव समिति की जो बैठक है दिल्ली में आज होने वाली है, जिसमें कैंडिडेट्स जो हैं उनको फाइनल किया जा सकता है। तो इसमें नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा हरियाणा के प्रभारी अनिल जैन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद शामिल होने वाले हैं। चलिए, बाल मुकुंद शर्मा नेता कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बाल मुकुंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका R9 टीवी पर। ये बताइए कि कल से दरअसल घोषणा तो हो गई है, उसके बाद से हलचल सभी पार्टियों में देखी जा रही है, कांग्रेस में हलचल थोड़ी कम नजर आ रही है। नहीं नहीं, कांग्रेस में हलचल क्यों कम नजर आ गई है, प्रजातंत्र इतना बड़ा महापर्व है तो इसमें तो सभी पार्टियों में हलचल रहेगी। टिकट मांगने का अपना अपना तरीका है, दूसरा उन लोगों के पास सरकार है, थोड़ा प्रचार के लिए सरकार लगी हुई है, पार्टी इतनी बीजेपी सक्रिय नहीं है जितनी हरियाणा सरकार सक्रिय है। लेकिन ये समझना बड़ा जरूरी होगा क्योंकि बीजेपी में तो दरअसल टिकटों को लेकर मारामारी है, उधर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो वहां पार्टी फंड में पैसा नहीं है, बहुत कुछ अलग चल रहा है कांग्रेस में। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता आपके पास कौन से सूत्र होंगे, पार्टी फंड में पैसा नहीं है, और ये तो और भी एक विडंबना कही है देश की, जब दूसरी पार्टियां कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि हमने तो भ्रष्टाचार किया, ये किया, और आप कह रहे हो हमारे पास पैसा नहीं है, तो विरोधाभास तो इन्हीं बातों से निकल आता है। जो लोग दो साल में इतने बड़े बड़े महल नुमा दफ्तर कार्यालय खड़े करते हैं उन पर कोई आरोप नहीं लगाता जी। हम तो, और आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा, टिकटों को लेकर क्या मारामारी इस वजह से नहीं होने वाली, क्योंकि दरअसल कांग्रेस में टिकटों को लेकर पानी की होड़ इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन वजह अगर कहीं नजर आएगी तो वो ये कि बहुत से धड़ों में बटी होगी, तो किसके धड़े को टिकट मिलेगी, किसके धड़े के जो प्रत्याशी है उनको टिकट मिलेगी, ये बड़ा सवाल होगा दरअसल कांग्रेस में। जी, मारामारी कहाँ होती है, जहाँ अनुशासन नहीं है, कानून नहीं है, नियम कायदे कानून नहीं, वहीं मारामारी होती है। आप किसी आबाद पाकिस्तान के हालात देखें, वहाँ मारामारी क्यों है कि वहाँ कुछ कानून व्यवस्था है नहीं, अनुशासन है नहीं, तो हमारे देश को अनुशासित इसलिए माना जाता है कि यहाँ अनुशासन और कानून का राज्य है। मारामारी को तो अब बीजेपी में कोई कहीं की ईंट कहीं करोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ से इकट्ठे करे, तो वहां तो मारामारी होगी। कांग्रेस में तो कांग्रेसी लोग हैं, कांग्रेसी प्रकृति के लोग हैं, प्रवृत्ति के लोग हैं, लगातार उनको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाल मुकुंद शर्मा जी इस बातचीत के लिए आपका।